नमस्कार, मैं हूँ पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं एसमी पोस्ट लाइव। पेश है आज की खास एसमी खबरें। टैक्स सरलीकरण की दिशा में भारत सरकार के सबसे बड़े कदम जीएसटी पर राज्य और केंद्र सरकारों के बीच कई मुद्दों पर एक राय न बनने के कारण जीएसटी अब 1 जुलाई से लागू हो सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली छोटे व्यवसायों के फंड फ्लो को आसान करने के उद्देश्य से वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी कंपनियों, एंजल निवेशकों और हेज फंड के लिए फेवरेबल टैक्स माहौल बनाने के लिए बजट 2017 में एक प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। छोटे व्यापारियों और व्यवसायकों को राहत देने के लिए आरबीआई ने 16 जनवरी से चालू खाते की कैश विथड्रॉल लिमिट को 50,000 रुपए प्रति सप्ताह से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दिया है। एसमी सेगमेंट में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट उद्योग और व्यापार बॉडीज के साथ तेजी से काम कर रहा है। 2015 से अब तक इस पहल के अंतर्गत कंपनी 6 राज्यों के व्यापार निकायों के माध्यम से 85,000 एसमी तक पहुंचने में कामयाब रही है। ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइडर अपग्रेड ने सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत एक उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम से अपग्रेड नए व्यवसायों के लिए आइडिया वैलिडेशन, फंडिंग और कानूनी ढांचा जैसे क्षेत्रों में अंतर्दृष्टि प्रदान कराएगा। छोटे कारोबारियों को जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट रेटिंग के बारे में जागरूक करने के लिए नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में 17 जनवरी को एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसका मकसद कारोबारियों को सरकार के विभिन्न सब्सिडी स्कीम्स के बारे में जागरूक करना है। एमएसएमई विभाग ने सभी बैंकों से 31 मार्च तक बीमार इकाइयों के पोर्टफोलियो को फिर से जांचने और नर्सिंग उपलब्ध कराने के लिए कहा है। साथ ही बैंकों को चालू वित्त वर्ष की अध्ययन रिपोर्ट को भी पूरा करने के लिए अनुरोध किया है। देश की पहली स्टार्टअप्स डेडिकेटेड पॉलिसी बनाने वाले कर्नाटक का फोकस अब कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने की ओर बढ़ रहा है। सरकार का मानना है कि वह साल 2020 तक कम से कम 20,000 स्टार्टअप की मेजबानी के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी।